तो चलो आज हम बनाते हैं बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी पास्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और वो भी बिना किसी झंझनाहट के, बिना किसी वेजिटेबल्स के आज हम ये पास्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक पतीला ले लिया है, इसे अब गैस पर रख देंगे, गैस चालू कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी। आपको जितना पास्ता बनाना है उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें जब ये पानी बॉईल हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हमारा पास्ता। आप कौन सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, ये जो पास्ता मैंने यूज़ किया है ना इसे बॉईल कर लीजिए 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए ये बॉईल हो चुका है पास्ता, इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार और प्लेट रख देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। यह हमारा पास्ता पक चुका है, गैस बंद कर देते हैं और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। अब उसी पतीले में हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। याद रखिए हम ये पास्ता बिना किसी वेजिटेबल्स के बना रहे हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस को ज़्यादा फ्लेम पर मत रखना और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। जब पानी बॉईल हो जाए थोड़ा सा तो फिर हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप। टोमेटो केचप थोड़ा ज़्यादा डालिए अगर आपका पास्ता तीखा हो चुका है तो। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच पास्ता मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए पास्ता। ये पास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए बनता भी 10 मिनट के अंदर ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम वेजिटेबल्स डालकर इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगता है। इसे अच्छे से देखिए आप मिक्स कर लेते हैं और गैस को ज़्यादा मत लगाइए, लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे 5-7 मिनट के लिए। अभी हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, एकदम।